स्वागत है आप सभी गेम्स प्लेयरोज के एक और वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं काउंटडाउन ऑफ टॉप 15 हॉरर गेम्स ऑफ 2021। तो यार बिल्कुल मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे के पूरे 15 हॉरर गेम्स लाए हूँ जो कि 2021 में रिलीज होने वाले हैं। तो आपको मेरी बात सुन के थोड़ा सा डर लगा? नहीं, इतू सा तो लगा होगा, इतू सा। तो चलो यार, जैसे कि आप सबने पिछले वाले वीडियो पे धमाकेदार लाइक्स, व्यूज और शेयर्स दिखाए थे, वैसे ही इस वीडियो पे भी दिखा देना मेरे भाई। और आप सबके प्यार की वजह से मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो चलो लिस्ट शुरू करते हैं। तो नंबर वन पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है मार्था इज डेड। अब इस गेम को पब्लिश कर रहा है वायर्ड प्रोडक्शन। इसको रिलीज किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पर और सीरीज एस पर। इसको डेवलप कर रहा है LKA। तो यार ये काफी मजेदार हॉरर गेम है। तो यार इस गेम में एक औरत का बॉडी मिलता है, यानी कि पानी में सड़ा गला। अब यार उसकी जो जुड़वा बहन है वो अपने बहन के लॉस से काफी दुखी है। अब उसकी बहन का जो मर्डर मिस्ट्री है वो छुपा हुआ है। अब यार जैसे जैसे आप इस गेम को खेलेंगे आपको धीरे 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 ये गेम कंफ्यूज करता जाएगा और शायद समझ में भी आ जाए कि उसकी बहन का मर्डर क्यों हुआ था। अब यार स्टोरी मुझे थोड़ी ना पता है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने अगले लिस्ट पे जो कि है एविल नन द ब्रोकन मास्क। अब यार एक शैतानी नानी जिसका मुकुटा टूट गया। इस गेम को बनाया गया है ग्लोस्टिक एंटरटेनमेंट की तरफ से। इसके पब्लिशर है कैपलरेंस। इसको रिलीज किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे या तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि ये गेम ऑलरेडी रिलीज हो चुका है मोबाइल पे, यानी कि मोबाइल वर्जन के गेम को रिक्रिएट किया गया है PC के लिए। तो यार कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग स्टोरी होगी इस गेम के अंदर, अलग बैकग्राउंड, अलग सी फीलिंग आएगी आपको इस गेम के अंदर। तो यार एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, देखते हैं ये गेम आने के बाद क्या कमाल दिखाती है। तो नंबर थ्री पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है टॉर्मेंटेड सोल्स। अब यार इस गेम के पब्लिशर है P-Cube। इस गेम के डेवलपर है डुअल इफेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल, डुअल इफेक्ट गेम्स, एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल वर्क। इस गेम को रिलीज किया जाएगा प्लेस्टेशन 4 पे, निंटेंडो स्विच पे, एक्सबॉक्स 1 पे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार ये गेम इंस्पायर्ड है रेसिडेंट इविल से, अलोन इन डार्क सीरीज से। इस गेम में दिया गया है फ्रेश ट्विस्ट इस गेम को बनाने के लिए अच्छा, और एडवेंचरस प्रोस्पेक्टिव डाला गया है इसके अंदर। अब टॉर्मेंटेड सोल को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है, यानी कि अपने तरह का अलग बनाने की ट्राई किया है गेम डेवलपर ने। तो मिस्ट्री ये है कि एक मेंशन है जिसके अंदर ट्विन गर्ल्स थी, वो दोनों गायब हो चुकी हैं। अब यार ये मेंशन एक तरह से भूतेला मेंशन बन गया है। तो देखते हैं ये गेम रिलीज होने के बाद कैसा करती है। नंबर फोर पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है द शोर्स। अब इस गेम को डेवलप कर रहे हैं एयर्स ड्रैगोनिस। इस गेम को पब्लिश भी कर रहे हैं एयर ड्रैगोनिस, और इस गेम को रिलीज किया जाएगा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। तो यार ये गेम भी एक सर्वाइवर हॉरर वीडियो गेम है बाकी गेम्स की तरह। ये एक फर्स्ट पर्सन स्टोरी ड्रिवन गेम है जिसमें कि कुछ नया एटमोस्फियर देने की कोशिश की गई है। तो यार ये गेम एक नरेशन के ऊपर चलती है, यानी कि धीरे धीरे ये गेम बिल्ड करता है आपको एनकाउंटर, यानी कि मिस्टीरियस क्रिएचर्स के साथ आपका एनकाउंटर होगा। और ये गेम एक धीरे धीरे आराम से पेस पे आपको लेके जाएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप गेम खेलते जाएंगे आपको नए नए सीक्रेट सामने आएंगे, यानी कि कुछ डरावना एलिमेंट सामने आएगा जो कि आपको डराएगा और आपको स्ट्रगल करवाएगा इस गेम में। और आप बार बार क्वेश्चन करेंगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है, ये क्या है और मुझे डर क्यों लग रहा है। तो नंबर फाइव पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है द सेलेस्टियो प्रोटोकॉल। अब यार ये गेम एक अपकमिंग थर्ड पर्सन सर्वाइवर हॉरर गेम है। इस गेम को डेवलप कर रहे हैं स्ट्राइकिंग डिस्टेंस स्टूडियो। अब इस गेम को रिलीज किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 5, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और सीरीज एस पे। इस गेम को पब्लिश कर रहा है क्राफ्टॉन, यानी कि काफी बड़ी कंपनी है। अब यार इस गेम का ट्रेलर देख के तो बहुत ही अच्छा और डरावना लगता है, यानी कि ये गेम काफी प्रॉमिसिंग होने वाला है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि एक बंदा है जो कि जेल में बंद है। अब उसे अचानक से अजीब आवाज आती है और सामने एक खतरनाक एलियन से शक्ल वाला क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देता है। तो नंबर सिक्स पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है सन्स ऑफ फॉरेस्ट प्रीक्वल, यानी कि ये गेम प्रीक्वल है द फॉरेस्ट का।
तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे द फॉरेस्ट ऑलरेडी एक पॉपुलर गेम है। अब ये गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, यानी कि ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड एटमॉस्फियर हो गया, गेम प्ले हो गया। अब नंबर 7 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है स्टॉकर्स 2। तो यार ये गेम भी काफ़ी प्रॉमिसिंग और डरावना लग रहा है। तो यार इस गेम का एटमॉस्फियर इफेक्ट्स और बैकग्राउंड देख के मेरे बॉडी में चिल्स आ गया भाई। तो देखते हैं ये गेम रिलीज होने के बाद क्या धमाल मचाता है। नंबर 8 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है ऑन एयर। अब यार ये गेम एक साईफाई सर्वाइवल हॉरर गेम है, यानी कि अलग एलिमेंट है इस गेम के अंदर। इस गेम को डेवलप किया गया है रेन स्टाइल गेम्स की तरफ से और इसको पब्लिश भी वही कर रहा है और इसको रिलीज किया जाएगा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार इस गेम का जो मेन कैरेक्टर है वो जाता है एक होटल में और सो जाता है। अब वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि सब लोग उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, उसे अजीब अजीब क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हैं, बैकग्राउंड्स एटमॉस्फियर हो गया, वो काफ़ी डरावना हो गया है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो जो होटल में सोया था वो किस जगह पे आ गया है। तो यार ये काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है मुझे। तो देखते हैं कि ये गेम रिलीज होने के बाद क्या कमाल दिखाता है। तो नंबर 9 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है इन साउंड माइंड। अब यार इस गेम को डेवलप कर रहे हैं वी केयर स्टफ, इस गेम को पब्लिश कर रहे हैं मॉडस गेम्स, इस गेम को रिलीज किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे, प्लेस्टेशन 5 पे, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे और सीरीज एस पे। अब यार इन साउंड माइंड एक वीटी फर्स्ट पर्सन साइलॉजिकल हॉरर गेम है जिसके क्रिएटर हैं द क्रिएटर ऑफ नाइटमेयर हाउस 2। अब यार ये गेम एक पजल गेम है, एक यूनिक स्टाइल का बॉस फाइट आपको इस गेम में देखने को मिलेगा, अलग सा आपको म्यूजिक मिलेगा इस गेम में आपको, और आपको इस गेम में टॉमस्टोन देखने को मिलेगा। इस गेम में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो। एक अलग गेम बनाने की कोशिश की गई है क्रिएटर की तरफ से, यानी कि एक अलग जर्नी पे आप जाओगे। अब नंबर 10 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है बैक फॉर ब्लड। अब यार बैक फॉर ब्लड भी एक अपकमिंग मल्टीप्लेयर सर्वाइवर हॉरर वीडियो गेम है जिसको डेवलप कर रहा है टर्टल रॉक स्टूडियो, इसको पब्लिश कर रहा है वार्नर ब्रॉस इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। अब यार इस गेम का जो जॉनर है वो है सर्वाइवर हॉरर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम। इस गेम को आप लेफ्ट फॉर डेड का रेप ऑफ भी बोल सकते हैं, यानी कि ये गेम काफ़ी हद तक मुझे ऐसा फील दिया कि लेफ्ट फॉर डेड का थोड़ा थोड़ा फील मुझे आ रहा है इस गेम में। पर यार ये गेम भी थोड़ा यूनिक और थोड़ा अलग लग रहा है। अब देखते हैं इस गेम को रिलीज होने के बाद कैसा रिव्यू मिलता है। तो नंबर 11 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है द मीडियम। अब यार द मीडियम भी एक अपकमिंग साइलॉजिकल हॉरर वीडियो गेम है, इसको डेवलप कर रहा है ब्लूबर। अब इस गेम को बनाया गया है अनरियल इंजन 4 पे, इस गेम को रिलीज किया जाएगा एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे, सीरीज एस पे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार इस गेम में आप रियल वर्ल्ड में भी खेल सकते हैं और स्पिरिटेड वर्ल्ड में भी खेल सकते हैं, यानी कि इस गेम में आपको दोनों वर्ल्ड में खेलने का मौका मिलेगा और आप ट्रेवल करेंगे अबैंडेंड हॉन्टेड होटल्स में, रिसॉर्ट में, जहाँ पे आप डिस्कवर करेंगे अलग तरह के मिस्ट्रीज जो कि सिर्फ आपका जो कैरेक्टर यानी कि जो मीडियम है वही सॉल्व कर सकती है। अब नंबर 12 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है रेसिडेंट इविल विलेज। अब यार रेसिडेंट इविल विलेज ऑलरेडी एक पॉपुलर गेम है, यानी कि रेसिडेंट इविल पूरा सीरीज ही हिट है। तो रेसिडेंट इविल विलेज को रीमास्टर करके कैपकॉम फिर से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है और नो डाउट ये गेम रीमास्टर करके रिलीज होते हुए भी ये हिट हो जाएगा। तो नंबर 13 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है डार्क फ्रैक्चर। अब यार इस गेम को डेवलप कर रहा है ट्विस्टेड 2 स्टूडियो और इस गेम का पब्लिशर भी है ट्विस्टेड 2 स्टूडियो। इस गेम को रिलीज किया जाएगा प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, सीरीज एस और प्लेस्टेशन 5 पे। तो यार डार्क फ्रैक्चर एक इंडी साइलॉजिकल हॉरर गेम है जो कि हम खेलेंगे फर्स्ट पर्सन के व्यू से, यानी कि FPP मोड रहेगा इस गेम के अंदर। अब इस गेम का जो अर्ली एक्सेस है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, यानी कि 1-2 महीने के अंदर। अब यार इस गेम के अंदर जो आपका कैरेक्टर फेस करने वाला है गेम प्ले के दौरान, जो रियल दुनिया है या तो जो इमेजिनेशन वाला दुनिया है, वो दोनों ही आपके कैरेक्टर को ब्लरी ब्लरी दिखाई देने वाले हैं बीच बीच में। तो यार ये अपने आप में ही अलग तरीके का इंडी हॉरर गेम है, यानी कि यार इंडी गेम्स को तो मैं पहले से बहुत सपोर्ट करता हूँ और ये देखने में भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लेट्स सी रिलीज होने के बाद क्या कमाल दिखाता है। तो नंबर 14 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है एविल डेड। अब यार एविल डेड भी एक अपकमिंग हॉरर गेम है जिसे डेवलप कर रहा है बॉस टीम गेम और इसको पब्लिश भी कर रहा है बॉस टीम गेम। इस गेम का जो मोड है वो है मल्टीप्लेयर। इस गेम को रिलीज किया जाएगा निंटेंडो स्विच, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और सीरीज एस और प्लेस्टेशन 5 पे।
तो यार ये गेम भी एक कोऑप गेम है, यानी कि हॉरर कोऑप गेम। तो देखते हैं ये गेम रिलीज होने के बाद क्या करता है। अब नंबर 15 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है ग्रे स्काइज अ वॉर ऑफ वर्ल्ड स्टोरी। अब यार ये गेम को पब्लिश कर रहा है स्टील आर्ट सॉफ्टवेयर, इसे डेवलप भी कर रहा है स्टील आर्ट सॉफ्टवेयर। इस गेम को पब्लिश किया जाएगा प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार ये गेम एक स्टेल्थ बेस्ड सिंगल प्लेयर एडवेंचर गेम है। तो यार इस गेम के अंदर आपको फेंक दिया जाता है मिडल ऑफ द मार्टियन इन्वेंशन में, यानी कि आपके कैरेक्टर का नाम होगा हार्पर। आपको खेलना है हार्पर बन के। अब देखते हैं कि आपका कैरेक्टर और आप इस गेम में क्या कर पाते हो। तो ये गेम देख के मुझे काफी डरावना लग रहा है। तो भाई भर भर के हर जगह पे एलियन ही एलियन दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आप एलियन से फाइट कर पाते हो, उनसे जीत पाते हो, कैसे उनसे कॉम्बैट कर पाते हो। तो यार जाते जाते मैं आपको एक बोनस देता जाता हूँ, यानी कि नंबर 16 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है द एलियन क्यूब। अब इस गेम को डेवलप कर रहे हैं एलेसांड्रो गुजो। इस गेम को रिलीज किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार इस गेम के अंदर आपको फाइंड करना है मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेबल फैक्ट्स को। ये गेम के अंदर आपके साथ थोड़ा सा अलग होगा, यानी कि आपको आपके आजू बाजू की दुनिया अलग दिखाई देगी। आपको तरह तरह के हिंट्स मिलेंगे और आपको एक्सप्लोर करने के लिए नई नई जगह मिलेगी। और आपको इस गेम के अंदर सच्चाई जानना है उन जगह का और वो जगह पे क्या था क्या है। तो यार आज के लिए मेरा बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।